रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सीसीपी इन थ्री डायमेंशनल. ठीक है. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12. ठीक. फर्स्ट स्टेटमेंट कि नियरेस्ट नेबर जो किसी के भी एटम है जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें 12 होते हैं. फिर द एफिशिएंसी इज 74% एंड नंबर ऑफ थर्ड नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर एटम आर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली. एंड फोर्थ द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस. आई एम अगेन रिपीटिंग द ऑप्शन फॉर यू. फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं सीसीपी में कि टॉप मोस्ट लेयर में नियरेस्ट नेबर 12 है. सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% है. थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड 1 है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड 2 है. और फोर्थ ऑप्शन में जो रिलेशनशिप है उस इसकी बात कर रही कि ए इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ रेडियस. अब सीसीपी में आपको ये पता है कि 4R इज इक्वल टू रूट टू है. जब इसको करोगे तो ये ही नहीं आ जाएगा, आएगा तो ये ऑप्शन करेक्ट है. ऑक्टाहाइड्रल वॉइड अगर 1 है तो टेट्राहाइड्रल 2N होती है. अगर N है तो टेट्राहाइड्रल 2N होती है. उससे थर्ड वाला भी करेक्ट है. पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होती है. बेटे होता तो 12 भी है पर एक एटम है उसको ऊपर से 6 सराउंड करते हैं नीचे से. टॉप मोस्ट में 12 नहीं होते. समझ आ रही है. ये मैंने एटम पकड़ा हुआ है ना. ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनानी हो तो आप कहते हो कि एट ए टाइम 6 एटम सराउंड करते हैं. ठीक है. मगर 6 कैसे करते हैं. नीचे से 6 होते हैं ऊपर से 6 होते हैं. टॉप मोस्ट में 12 नहीं होते. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है नो डाउट. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब है कि एक टाइम एक एटम को 12 एटम सराउंड कर रहे हैं. नियरेस्ट नेबर 12 है वो कैसे सराउंड करते हैं 6 ऊपर से 6 नीचे से. अब ये कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट लेयर में भी में ही 12 है. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. जब ऐसा कुछ ना आए तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढा करो पहले जो आपको पता होता है. ये आपने किया हुआ है ये भी आपको पता है ये भी आपको पता है. ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है. द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर यूनिट सेल इस टेट्राहेड्रल 2 2N होती है. रखी बंद है पढ़ के आइए. ऑक्टाहाइड्रल वाइड बेटे उतनी होती हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है. टेट्राहाइड्रल वॉइड होती है 2N. FCC में टोटल कितने एटम्स हैं. ये सिंपल है. दिस इज सिंपल क्यूबिक. जितने
जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स हैं। अब कॉर्नर पे कितने कॉर्नर्स हैं? एट। एक कॉर्नर का शेयर होता है 1/8, और टोटल नंबर ऑफ एटम 1 हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बॉडी सेंटर में एक बॉडी में आ जाता है इसके अलावा, तो बॉडी सेंटर में हो जाते हैं 2। मैंने दोबारा रिपीट नहीं करना, समझ लो। फेस सेंटर में हर एक फेस पे एक आ जाएगा। ये ऊपर फेस है, ये नीचे, 6 एटम्स आ गए, और हर एक फेस एक एटम तो है ही है, कॉर्नर वाला तो है ही है, प्लस कितने फेसेस हैं? 6। 6 को हर फेस का हाफ मिलता है तो 3, तो इसमें 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, सिंपल में 1, 2, 4। अगर FCC में टोटल नंबर ऑफ 4 एटम्स हैं तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होती हैं 4N, मींस 2N, मींस 2 × 4, दैट इज 8। और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होती हैं N, दैट इज 4। अगर मैं BCC में पूछूं तब भी आप ऐसे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतनी ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हैं। समझ आ गई? इन विच पेयर द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट? इन विच पेयर द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट? फर्स्ट पेयर इज HCP एंड BCC, फर्स्ट पेयर इज HCP एंड BCC, सेकेंड पेयर इज BCC एंड CCP, थर्ड पेयर इज BCC एंड CCP, एंड फोर्थ पेयर इज BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल। अगेन आई रिपीटिंग बेटे, द फर्स्ट इज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। सेकेंड इज अगेन HCP, बट नाउ इट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। थर्ड इज BCC एंड CCP, एंड फोर्थ इज BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल। नो, इट्स नॉट अ सी ऑप्शन। ए क्यों है? कुछ नहीं करना बेटे, फर्स्ट ऑप्शन में आप पहले, आपको चलो HCP नहीं पता, मान लिया आपको HCP नहीं पता, नहीं पता, अब आपको सिंपल क्यूबिक CCP और BCC के बारे में पता है? सबसे कम पैकिंग किसी कम होती है सिंपल क्यूबिक की, उसमें एक ही एटम होता है। BCC में 2 एटम्स होते हैं, FCC में या CCP में 4 एटम्स होते हैं। CCP का और FCC का मतलब एक ही है, 4 एटम वाला। तो मींस अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक है उसको भी निगलेक्ट कर देंगे CCP के सामने, अगर हमारे पास BCC है उसको भी निगलेक्ट कर देंगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो फर्स्ट ऑप्शन में BCC है तो छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। सेकेंड ऑप्शन में CCP है, साथ में HCP है। थर्ड ऑप्शन में BCC है, BCC की तो कम होती है CCP में, BCC की तो कम है, 2 ही एटम्स है कि नहीं है? फिर थर्ड ऑप्शन में दे ही सिंपल क्यूबिक और BCC रहे हैं लास्ट ऑप्शन में, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्शन सेकंड है बेटे,
सीसीपी और एग्जा क्लोज पैकिंग एक जैसी होती है, 74%। खुद इंटेलिजेंट बनो, जिसके पास 4 एटम्स हैं तो इसका मतलब उसमें पैकिंग ज्यादा है, उसने ज्यादा एटम अकोमोडेट करे हुए हैं। जिसके पास है ही 2 एटम, उसने क्या अकोमोडेट करा फुल स्पेस को, और जिसके पास है ही 1 एटम, वो क्या पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी, समझ आ रही है? तो सबसे ज्यादा 4 एटम्स वाली की पैकिंग एफिशिएंसी होगी, समझ आई दिमाग में? नेक्स्ट इज, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? जब आप डोप करते हो तो कौन सा डिफेक्ट आता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट? डोपिंग क्या होती है? सेमीकंडक्टर का नाम सुने? एन टाइप, पी टाइप, सुने? कैसे डोपिंग करी जाती है? व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाट इज एन टाइप पी टाइप, ये तो फिजिक्स में ही पढ़ते हो, पढ़ते हो, ये है आपके टॉपिक। फिर पढ़ के आना था ना बेटे, आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं कि चैप्टर पढ़ना है? फोर्टीन ग्रुप का एलिमेंट क्या है? सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। 14 ग्रुप में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14th ग्रुप में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, अभी सिलिकॉन है, इसकी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस सिलिकॉन की जगह पे, अगर एक सिलिकॉन की जगह पे यहां पे मैं बोरोन ले आऊं तो क्या होगा? अब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा ना। यहां पे एक होल क्रिएट, होल क्रिएट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, समझ आ रही है? ये सारे सिलिकॉन है बेंचेस, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के बैठे हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब एक सिलिकॉन की जगह पे आप बोरोन ले आओ, 13 ग्रुप का ले, अब एक बेंच खाली हो गया, अब वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, होगी कि नहीं हुई? हुई। अब आप अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रखो, अब ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, अब क्योंकि इस होल को एज ए पॉजिटिव पॉजिटिव समझो, ये वैकेंसी है ना, जब आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे ही होगा। या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, यहां जंप करेगा, यहां, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज,
इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। होल किसकी तरफ मूव करता जाएगा? नेगेटिव की तरफ। बात समझ आ रही? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू हुए। अब इलेक्ट्रॉन तो किस तरह मूव करेंगे? जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ का इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ के जंप करके चला गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो होल है, ठीक है। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? होल आ गया। अब हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि एक होल कहाँ मूव कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। होल नहीं मूव कर रहा होता, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं पॉजिटिव की तरफ, पर हमें देखने में ये लग रहा है कि होल जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। कर रहे? अगर होल नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो इसके ऊपर हम कंसीडर करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोला जाता है, कि पॉजिटिव चार्ज मूव करने वाले सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें जो होल्स होल हैं दैट सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल बिकॉज ऑफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे आई? कि आपने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ डॉप किया, डॉपिंग करी। किस एलिमेंट को? 13th ग्रुप के एलिमेंट को 14th ग्रुप में डालना। समझ आ रही है? अब इससे उल्टा, अगर मैं 14th ग्रुप के एलिमेंट में 15th ग्रुप डाल दूं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? मेरे पास सिलिकॉन है, 15th ग्रुप में क्या है? फास्फोरस। उसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली और एक एक्स्ट्रा बच गया, बच गया। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और हमें इलेक्ट्रॉन ही मूव करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मतलब नेगेटिव चीज मूव कर रही है। समझ आई? आई? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड, तो ये कौन सा डिफेक्ट है? ना शॉर्ट की है, ना फ्रेंकल है, ना आपने पोजीशन से डिसलोकेट किया किसी को। ये है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं या घटाए हैं। पढ़ लो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो। राइट डाउन व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम What is the number of atoms in 200 gram of an element having BCC structure? Having edge length 300 picometer and density 70 gram centimeter per centimeter cube, 70 gram per centimeter cube. अब डेंसिटी क्या होता है? कल ही करें, डेंसिटी क्या है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू इनटू
मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू इनटू अभी इस न्यूमेरिकल में करना कि आपने इस न्यूमेरिकल में आपने एन नॉट ही निकालने, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ही निकालने, क्योंकि बीसीसी में जेड तो हमें पता ही है टू है, डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है, देन मास भी आपको गिवन है, ठीक है, 200 grams, फिर उसके बाद आपको डेंसिटी भी गिवन है, एज लेंथ भी गिवन है, स्टार्ट कर दो, ऑप्शन लिख लो, 8.12 × 10^23, 6.12 × 10^22, 2.12 × 10^24, एंड 4.12 × 10^25. You are given with the density, you are given with the Z, you are given with the M, you are given with the A, and you have to find N. Hurry up. आंसर आया, हरिया हरिया आपका लगभग 2.12 आ जाएगा, जब ये 2 आना शुरू हो जाएगा तो छोड़ दो बस, एमसीक्यू में यही करोगे, क्योंकि ये है 2864, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेटे देखो इस ऐसे कैलकुलेट करोगे, अब आप देखो ऊपर क्या है आपके 2 × 200 = 400, नीचे क्या आ जाएगा 300 × 7 है, 3 × 7 = 21, ऊपर 4 नीचे 2, 2 ही आएगा, अगर ऐसी कैलकुलेशन करो तो पेपर हो गया आपका फिर बेटे, देखो इतनी ऑप्शन में इतनी वेरिएशन दे रखी है आपको, एक वेरिएशन लिखा है 8.12, दूसरा लिखा है 6.12, तभी मैंने इस बारी ऑप्शन पहले बोली आपके लिए, थर्ड ऑप्शन दिए 2.12, फोर्थ ऑप्शन दिए 4.12 दिए, अब सीधा ऊपर हमारा लगभग 400 के आसपास बन रहा है, नीचे 21 के आसपास बन रहा है, अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर 2 ही आएगा, बात समझ आई,
तो आपको ट्रिक लगाने पड़ेंगे पेपर में, जब ऐसे ऑप्शन आए तो फटाफट हो जाते हैं। ऑप्शन तब नहीं समझ आता जब आपकी वेरिएशन वैल्यू में बहुत ज्यादा कम हो, जैसे 0.3 हो, 3 हो, तब हम डिफिकल्टी अराइज होती। इनमें तो इतनी दूरी दूरी रखी हुई है, 8, 4, 6, 2। समझ आ गई? थोड़े से सेशन रीजन देखे, मैंने 3 दिन आपकी सॉलिड स्टेट लेनी है, 3 का 4 दिन ही बनने वाला है। पढ़ा करो रोज जाके, असाशन सुनो। क्या हाँ होना था हाँ, नीचे क्यों? तब भी बेटे सॉल्व करो तब भी आ जाता है आंसर। वो 10 रेस पावर चल जाता है क्या? 24 है बेटे, नहीं आ रहा क्यों? शायद 6। .00 में आ जाना है, 2 में, 0.022 में आना है, बाकी वैल्यूज एडजस्ट हो जाती हैं। बाकी करके देखो ना ऐसे वैल्यू एडजस्ट। इनटू वाला तो हम कर ही लेंगे, वो हमने कोई सिरदर्दी नहीं, हमारी हमारा 2 की रेंज में कैसे आना है हमने ये देखना। फिर तो आ जाना है 3, 3 जर 6। मल्टीप्लाई कर लो ना अलग अलग से, ये 0 0 को बाद में देखो आप। समझ आ रही है? 0.0002 आ जाए, कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, असर्शन, द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंबल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। असर्शन सुनो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। क्या आपको ठीक लग रहा है? रीजन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स एट द कॉर्नर्स, ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। दोनों ट्रू हैं। असर्शन रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट बेटे असर्शन सुनो ध्यान से, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। क्या? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। असर्शन ठीक है, रीजन सुनो, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, ऑन द अदर हैंड डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। रीजन क्या होना चाहिए फिर? क्या एलोट्रोपी का कुछ होता है? ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसके लिए कारण जो उसकी लेयर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिसके कारण वो मूव कर सकता है, वही है। उसके कारण बेटे यस, मोक द एग्जाम्स आर MCQ बेस्ड एंड यू विल बी गेटिंग OMR शीट्स। MCQ में 4 वैरायटी होगी, विद 1 ऑप्शन, विद 2 ऑप्शन करेक्ट, विद पैराग्राफ, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, कुछ मर्जी।
अभी वेट कर रहे हैं हम सीबीएसई सैंपल पेपर आने की, अदरवाइज जो भी सैंपल पेपर हमारे पास है विल मेक द पेपर, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। द एग्जाम विल बी एमसीक्यू ऑफ 35 मार्क्स, 90 मिनट्स यू विल बी गेटिंग फॉर दैट। मीन्स 2 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। चेक आउट योर स्पीड नाउ। 2 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, एंड सारे के सारे क्वेश्चन या सजेशन रीजन होंगे या एमसीक्यू होंगे या मैथ से कुछ भी हो सकते हैं, पर होने 1 मार्क्स वाले। वी टीचर्स आर वेरी हैप्पी विद दैट। चेकिंग बहुत इजी है हमारे लिए। यार चलो नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, लिसन टू मी केयरफुली, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग वन दैट इज प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर इज 4। अगेन आई रिपीटिंग, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग द वन दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इज 4। चलो रीजन सुनो। बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज वन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाई टू एडजेसेंट यूनिट सेल। बेटे देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। इन्होंने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की बात करी, ये कह रहे हैं 4 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होती हैं, ठीक है? 4 बोला था ना आपको इन्होंने। बार रिपीट करो सेशन, सुनो ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग द वन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर इज 4। बेटे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड उतनी ही होती हैं जितनी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड एक बॉडी में होती है, बॉडी सेंटर पे एक होती है, उसको मिला के कह रहे हैं कि 4 हैं टोटल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या 3 हो जाएं? अरे बेटे फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। 4 कॉर्नर वाले और 3 फेसेस वाले, एक कॉर्नर का शेयर होती है और 3 फेसेस का। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब 4 ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती हैं, तो यही फर्स्ट पार्ट में कहा है, उसमें से कहते हैं एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। बिल्कुल सही कहते हैं कि एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, बाकी 3 की बात नहीं करी कहाँ प्रेजेंट है, पर वो रीजन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझो क्वेश्चन को, 4 हैं। बिल्कुल सही है, एफसीसीबी में 4 होती हैं, 4 एटम्स होते हैं, 4 ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होती हैं। समझ आ रही है? अब आगे सुनो, कहते बॉडी सेंटर के अलावा रीजन में ये कह रहे हैं कि जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो 6 फेसेस पे हैं। फेसेस पे कहाँ है? फेसेस पे तो एटम्स होते हैं। ये एफसीसी है। इन्होंने असर्शन में आपको ये बोला कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड आपकी टोटल 4 है, इंक्लूडिंग एक बॉडी सेंटर में, बाकी 4 3 का नाम नहीं दिया कि बाकी 3 प्रेजेंट ही कहाँ है, नहीं दिया ना। पर ये तो सही बोला ना कि 4 है। अब रीजन में ये कह रहे हैं कि एक बॉडी सेंटर के अलावा बाकी फेसेस पे प्रेजेंट है। फेसेस पे तो एटम्स होते हैं, वॉइड्स कहाँ होती है? एजिस पे होती हैं वॉइड्स। कितनी एजिस होती हैं? 12, और हर एक एज का 1/4 का शेयर होता है।
तीसरी थ्री ऑक्टा आइडल वॉइड्स एजिस पे प्रेजेंट है और एक ऑक्टा आइडल वॉइड बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। समझ आई? मीन्स असर्शन बिल्कुल सही है कि देर आर फोर ऑक्टा आइडल वॉइड और उसमें से एक बॉडी सेंटर में। अब रीजन में बता रहे हैं कि एक बॉडी सेंटर पे है और बाकी तीनों फेस पे हैं। फेस पे तो एटम हैं भाई, ऑक्टा आइडल वॉइड होती है जिस पे। बात समझ आ गई? अब मेरे दिमाग जाने पड़ने हैं पेपर में, और क्वेश्चन करेंगे हम पर, तभी तो कहा है।